हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फिटकरी के बारे में। फिटकरी जो होता है पैसों की तंगी, तरक्की में आ रही अड़चन, फिटकरी से दूर किया जा सकता है। तो कैसे दूर करेंगे आप, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अधिकतर घरों में फिटकरी का इस्तेमाल विभिन्न तरीकों से किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, खड़े नमक की तरह दिखने वाली फिटकरी सेहत के लिए ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन की कई समस्याओं से भी छुटकारा दिलाया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार फिटकरी का इस्तेमाल करके व्यक्ति पैसों की तंगी से छुटकारा पाने के साथ साथ बिजनेस, नौकरी में तरक्की पा सकते हैं। फिटकरी से संबंधित छोटे छोटे उपाय करने से व्यक्ति जीवन के हर कष्ट से छुटकारा पा सकता है। फिटकरी का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फिटकरी में जितने औषधीय गुण हैं, उतना ही इसका ज्योतिषीय महत्व भी है। आप जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए फिटकरी से कई उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, फिटकरी एक सफेद रंग का सामग्री है। इसका इस्तेमाल औषधि बनाने और पूजा करने के लिए किया जाता है। ज्योतिष में भी फिटकरी के कई उपाय बताए गए हैं। ये कई आर्थिक समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। ये सेहत संबंधित कई समस्याओं को दूर करने का भी काम करती है। ये घर के वास्तु दोष को दूर करती है। इस तमाम परेशानियों के लिए आप कई तरीकों से फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन उपायों को करने से नकारात्मक ऊर्जा का दृढ़ता के साथ कई परेशानी दूर होती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार फिटकरी के किए गए उपाय बहुत ही लाभदायक होते हैं। दोस्तों, खड़े नमक की तरह दिखने वाली फिटकरी चट्टानों से मिलती है। इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या आप जानते हैं कि फिटकरी का प्रयोग टोटके के रूप में भी किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये टोटके के रूप में भी किया जाता है और इस उपाय से आपको बहुत लाभ होता है। अगर आपको आते हैं डरावने सपने तो फिटकरी का यह उपाय दे सकता है राहत। दोस्तों, कैसे दे सकता है राहत, तो चलिए बताते हैं। बिस्तर के नीचे काले कपड़े में फिटकरी बांध कर रखें। इससे बुरे सपन यानी कि सपना आना बंद होंगे, साथ ही नींद में चमकने की समस्या से भी मिलेगी छुटकारा। दोस्तों, अगर बच्चे को नींद नहीं आ रही है, डरते हैं, तो किसी भी मंगलवार या रविवार के दिन फिटकरी का एक टुकड़ा बच्चे के सिरहाने रख दें। रात में बच्चे को सोते समय बुरे सपने नहीं आएंगे और ना ही बच्चा चमकेगा। बरकत के लिए ये टोटका बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके घर में बरकत नहीं होती है, पैसों में, खाने में, किसी भी चीज़ में, तो ये टोटका ज़रूर अपनाएं। किसी दुकान का प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर काले कपड़े में फिटकरी बांधकर लटका देने से बरकत बरकरार रहती है। दोस्तों, फिटकरी का पानी परिवार के सदस्यों में झगड़े होते हैं तो परिवार का मुखिया रात्रि को अपने पलंग के नीचे एक लोटा पानी रख दें और सुबह गुरु मंत्र अथवा इष्ट देव के नाम का उच्चारण कर वह जल पीपल को चढ़ाएं। इससे पारिवारिक कलह दूर होंगे, घर में शांति होगी। फिटकरी का कटोरा बाथरूम में फिटकरी से भरा एक कटोरा रखें। हर महीने इस कटोरे की फिटकरी को बदलते रहें। यह कटोरा आसपास किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सम्मोहित कर लेता है। आपके मकान में कमरे की खिड़की, दरवाजा या बालकनी ऐसी दिशा में खुले जिस ओर कोई खंडर हनुमा मकान स्थित हो, या वहां कोई उजाड़ जमीन या प्लॉट पड़ा हो, या फिर बरसों से बंद पड़ा मकान हो, शमशान या कब्रिस्तान स्थित हो, तो यह अत्यंत अशुभ होता है। ऐसे मकान में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए किसी शीशे की प्लेट में कुछ छोटे छोटे फिटकरी के टुकड़े आदि खिड़की या दरवाजे या बालकनी के पास रख दें तथा उन्हें हर महीने नियम यानी कि रोज उसे बदलते रहें तो वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा 50 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा घर के प्रत्येक कमरे में तथा कार्यालय के किसी कोने में रख देने से वहां वास्तु दोष कुछ हद तक कम हो जाता है। जिस व्यक्ति को नजर लगी हो उसे लिटाकर फिटकरी का टुकड़ा लेकर सिर से पांव तक 7 बार उतारें। ध्यान रहे कि हर बार सिर से पांव तक ले जाकर टुकड़े को तलवे से लगाकर फिर सिर से घुमाना शुरू करें। इस फिटकरी के टुकड़े को आग में डाल दें।
जैसे जैसे वो फिटकरी आग में जलेगी, वैसे वैसे बुरी नजर का असर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए रोज रात को सोते समय अपने दांत फिटकरी से साफ करेंगे तो धन लाभ होगा। इसके अलावा आप कभी कभार फिटकरी के पानी से स्नान भी कर ले, ये भी बहुत लाभ पहुंचाता है। कारोबार में कामयाबी पहुंचाने के लिए 5 टुकड़े फिटकरी के 6 नीले फूल और 1 कमर में बांधने वाला बेल्ट। नवमी के दिन देवी को चढ़ा दे, दसवीं के दिन बेल्ट को किसी कन्या को दे दें, नीले फूल बहते पानी में डालें और फिटकरी के टुकड़े को संभाल कर रख लें। साक्षात्कार देने के जाते समय टुकड़े अपने पास रखेंगे तो सफलता मिलेगी। कारोबार से जुड़े किसी महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हो तो ये फिटकरी के टुकड़े अपने पास रखेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। दोस्तों, गुरु पुष्य नक्षत्र में शुभ मुहूर्त में अपाम मार्ग नामक पौधे की जड़ ले लें। इस जड़ को 1 फिटकरी के टुकड़े एवं 1 कोयले के टुकड़े के साथ 1 काले वस्त्र में बांधकर उससे वाहन के चारों ओर दाहिने घुमाते हुए 7 चक्कर लगाएं। इसके पश्चात इस पोटली को वाहन में कहीं रख दे। ऐसा करने से वाहन दुर्दात्माओं से रक्षित रहता है तथा दुर्घटना से रक्षा होती है। दोस्तों, 1 पान के पत्ते पर थोड़ी सी फिटकरी और सिंदूर बांधकर बुधवार की सुबह या शाम को पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत्थर से दबा दें। यह कार्य 3 बुधवार करेंगे तो कार्य मुक्ति में लाभ मिलेगा। दोस्तों, फिटकरी का 1 टुकड़ा तिजोरी में रखने और फिटकरी के पानी से नहाने से धन लाभ होता है। इसके अलावा इसे काले कपड़े में बांधकर घर या दुकान के मुख्य द्वार पर लटकाया या बांध सकते हैं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, इससे व्यापार में तरक्की देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आप पर कर्ज है तो आपको 3 बुधवार को ये उपाय करने चाहिए। इस उपाय के लिए आप पान के पत्ते पर फिटकरी और सिंदूर लगाएं। इस पत्ते को धागे की सहायता से बांध दें, फिर बुधवार की सुबह इसे पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। इन उपायों से आपको जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, फिटकरी को घर के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में भी काफी फायदेमंद होती है। इसके लिए अपने घर के बाथरूम में फिटकरी को 1 कटोरी के अंदर रख दें। इस कटोरी को ऐसे बाथरूम में रख दें जहां इस कटोरी को और कोई नहीं देख सके। ऐसा करने के बाद घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। जिन लोगों के घर में वास्तु दोष होता है, वे अपने घर के प्रत्येक कमरे में फिटकरी का 1 टुकड़ा रखें। ऐसा करने से आपके घर का वास्तु दोष आपके जीवन पर नहीं असर देगा और वास्तु दोष भी सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।